श्रीमान कौरवनाथ जी ददानी बाउंड पहुंच चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा आप आगे आए और उपासक जी से अपना पूछ सकते हैं। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान जगत जी बेगवानी को अपने वक्तव्य के लिए। पारमार्थिक शिक्षण दत्ता लाभ मिलियो ना आपको। कई बार जब है नहीं प्रतिनिधि सम्मेलन हो या फिर केंद्रीय संस्था मिलियो ना आप के पास पद्मों में श्रद्धा न
सम्मान्य डॉक्टर साहब और भाई मनोज जी और सुहान सिंह साधक जयंती मिलकर और सर जी आप सभी की उपस्थिति को साधन व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व हमेशा पूजा जाता है। व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व हमेशा पूजा जाता है। सरोवर अनेक खड़े मगर सबदार प्रकट स्वभाव पाता है। रोक नहीं सकती भौतिकता की अंधियारी। तुमने कदम बढ़ाया दौड़ पड़ी दुनिया सारी दौड़ पड़ी दुनिया सारी। कालजयी महापुरुष भगवान महावीर एक व्यक्ति नहीं सत्य है। उनके प्रति होने वाली निष्ठा व्यक्ति निष्ठा नहीं सत्य निष्ठा है। भगवान का संपूर्ण जीवन सत्य की शोध उपलब्धि और अनुदान का जीवन है। 12.5 वर्ष के साधना बाद में सिर्फ मुहूर्त भर नींद ली ऐसी जागृति किसी साधक से संभव ही नहीं है। उनके जैसा महापराक्रमी ही प्रतीक्षा के सर्वोच्च सोपान पर आरूढ़ हो सकता है। आज प्रवृत्ति बहुलता का युग है। भगवान महावीर ने निवृत्ति का जीवन दिया और अनेकांत के उस महान सिद्धांत की व्याख्या की जिसमें विश्व की समस्त विचारधाराओं के समन्वय की ताकत है सच्ची है। भगवान महावीर ने जो कहा वह एक जलती हुई मिसाल है जो हमारी जिंदगी में फैले हुए अंधेरों से लड़ने की ताकत देता है। परंपरा और आधुनिकता से जीने वालों को लिए भगवान महावीर के प्रवचन समन्वय का काम करते हैं। आज हमें महावीर को भूलना है। आज महावीर कहीं भी बाजार में घर में आठ में आठ के बाहर कहीं भी मिल सकते हैं। आवश्यकता है हम उनको भूले और महावीर सब कुछ बाहर फेंक कर निकल गए। हम उनका नाम लेकर उन्हें बाहर ही बाहर ढूंढ रहे हैं और वो महावीर थे निर्लिप्त निर्विकार और हम हैं लगे हैं उनको ढूंढने में। ऐसे में हमें महावीर की विरासत यानी क्या मिला इस प्रश्न का जवाब लगा दिए शायद आज का ये पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। आज हमारे भी उपस्थित हैं डॉक्टर साहब और भाई मनोज जी और सवाल। आपका व्यक्तित्व एक बीज के समान है जो उर्वरा धरती पर पानी हवा और ऊर्जा को प्राप्त करके संभावनाओं की नई पौधों को जन्म देता हुआ सत्ता की बन जाता है। ऐसे सत्ता की रक्त की छाव में एक तो क्षण के लिए बैठने वाला भी असीम आनंद और प्रकृति का अनुभव करता है। आज हम सबका सौभाग्य है कि आपका पावन सानिध्य आज हमें मिल रहा है। मैं आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धर्म के प्रति आपकी आस्था जरूर जैन परंपरा से आई है पर आपने जो ज्ञान का अर्जन किया है उसमें गहरी जिज्ञासा संवेदना कष्ट चिंतन चेतना और साधना की गहराई है। आप धर्म के विविध स्वरूपों का गहराई से अध्ययन कर उसका सार संक्षेप लोक मानस में बड़ी सुगम और सरल शैली से प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आपके प्रति हार्दिक रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आपकी पावन सनिधि और प्रेरणा हमें मानवीय गुणों से अभी चिंतित करती रहे और हम परिक्रमा करते रहे प्रकाश के प्रसन्न इसी मंगल कामना के साथ हो। बहुत ही सुंदर वक्तव्य। ये हमारे समाज के अच्छे वक्ताओं में से एक वक्ता है। अब मेरा सादर अनुरोध श्रीमान तारा संगीत धारेवाल युद्ध का कहता है। ये कहानी श्री महावीर भगवान और चंद्रकोशी के बारे में है। ये कहानी है समर महावीर की। ये कहानी है समर महावीर की। महाक्रोध लड़ाई महावीर।
उस लड़ाई महावीर की, ये कहानी है समर महावीर की। अष्ट कर्मों को मिटाने, आत्मज्योति को जगाने, अष्ट कर्मों को मिटाने, आत्मज्योति को जगाने, भगवान वर्तमान तप कर रहे। कभी जंगल उद्यान, कभी शून्य समान, शांत एकांत ध्यान कर रहे। मन अमल विमल, तन में सायतल, नहीं परवाह करे दुख पीर की, ये कहानी है श्रमण महावीर की। महाक्रोधों से लड़ाई महावीर की, ये कहानी है श्रमण महावीर की। राज ग्रह के निकट चंद्र कोटि को विकट, राज ग्रह के निकट चंद्र कोटि को विकट, एक नाम रहे नित्य फुफकारता। उसे डरे पशु पंखी, डरे नर नार पंखी, किसी भी शक्ति से नहीं हारता। सर्प देता है व्यथा, जानी प्रभु ने कथा, सर्प देता है व्यथा, जानी प्रभु ने कथा, कर ले समझ जाने गति ले समीर की, ये कहानी है श्रवण महावीर। महाक्रोधों से लड़ाई महावीर की, ये कहानी है श्रवण महावीर की। वह नाग अति काला इस धर्मत वाला, वह नाग अति काला इस धर्मत वाला, देख पापी पे खड़े प्रभु को जल गया। उसने फन फैलाया, झूम झूम लहराया, उसने फन फैलाया, झूम झूम लहराया, ऊंचा धरती से उछल गया। तेज आंखों से निहार, तत लिया उस बात, तेज आंखों से निहार, तत लिया उस बात, पीड़ा हुई जैसे मुझे हुए तीर की, ये कहानी है श्रवण महावीर की। महाक्रोधों से लड़ाई महावीर की, ये कहानी है श्रवण महावीर। दीन बंधु मुस्कुराए, दीन बंधु मुस्कुराए, ज्ञान बोल परमा, दीन बंधु मुस्कुराए, ज्ञान बोल परमा, बोले नागराज, कान 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 भो क्रोध त्याग दो सुदान, क्षमा मत करो पान, क्रोध त्याग दो सुदान, क्षमा मत करो पान, मत जीवन बिगाड़ो मत प्राण हो। प्रभु के उद्गार किया नाग ने उदार, सुन प्रभु के उद्गार किया नाग ने उदार, केवल क्षमा मुनिधारी हिमनीर की, ये कहानी है श्रवण महावीर की। महाक्रोधों से लड़ाई महावीर की, ये कहानी है श्रवण महावीर। अच्छे गायक है ना तारा जी, बहुत ही सुंदर श्रीमान बहादुर सिंह जी से अपनी गीत गा रहे। वर्ष का प्रभुता प्राप्त और उन सबसे
जो भगवान महावीर ने हमको दिया वो 2500 वर्ष के बाद की आज इतना ही प्रासंगिक है, इतनी ही हमारे लिए सुखदायी है। हम उन्हीं के पद पर प्रशस्त हैं और हमारी श्रद्धाओं की सभी चरणों में नित्य वृद्धि उसी से होती रहे। मैं सबसे पहले अपनी जीविका प्रश्न पूर्ण से पहले सभी तपस्वी भाई बहनों से विनम्र श्रद्धा के साथ उनकी सुख साधा पूछा हुआ उनके प्रति मंगल कामना करता हूँ। मेरी श्रद्धा स्वीकार लो, विशेला के दोलाए तुम, मेरी श्रद्धा स्वीकार लो, मेरा नाम सदा कड़ी विपदाओं में कभी
स्वीकार लो तेरा नाम सदा जाऊं तेरा नाम सदा जाऊं दुनिया के उजाले को तार दो तेरे गीत सदा गाऊं तेरे गीत सदा गाऊं विश्वास के दुलारे नमो
साक्षात महाश्रवण तस्मै श्री गुरुवे नमः। पल पल अधरों पर नाच रहा है विश्व नाम तुम्हारा, तेरा पंथ हमको प्यारा, तेरा पंथ हमको प्यारा। पल पल अधरों पर नाच रहा है विश्व नाम तुम्हारा, तेरा पंथ हमको प्यारा, तेरा पंथ हमको प्यारा। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। हम हैं हमारी विष्णु चरण के मिला हमें दिन सासन, हम हमको प्यारा, तेरा
सबसे अच्छे गायक श्रीमान नौकरी कुमार का उनके लिए एक बार जोरदार ओम 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 आराम Mom.
हमारे आराध्य प्रभु भगवान महावीर की हमको भी वो मुक्ति दे, वो हमें भी सम्यक प्राप्त करने का आशीर्वाद दे, उसी प्रभु के सर्वज्ञता के वर्षों का लेखा जोखा हम इसीलिए उसकी अभ्यर्थना करते हैं कि उसमें जो जो लोग दीक्षित हुए श्रावक बने प्रभु ने अनुकंपा की, वैसी वैसा वैराग्य हमें भी प्राप्त हो, क्योंकि प्रवचन सुनने का फल होता है वैराग्य की उत्पत्ति, अनाशक्ति की उत्पत्ति। इसी तरह से प्रवचन सुनते सुनते हमारे पारमार्थिक शिक्षण संस्था में मुमुक्षु आते हैं और वहाँ वो ट्रेनिंग लेकर के और गुरु चरणों में साधु चर्या के रूप में उपस्थित होते हैं। प्रभु की सर्वज्ञता का नवा वर्ष प्रभु वैशाली चातुर्मास संपन्न कर मिथिला पधारे और मिथिला और कनक नंदी काकंदी, मिथिला और काकंदी ये दोनों पास पास है, वहां पधारे। वहां भद्रा नाम की प्रसिद्ध श्राविका के पुत्र विपुल और शु नक्षत्र ने प्रभु का प्रवचन सुनकर वहां पर दीक्षा ली। अभी हमारे जो दीक्षा के आयोजन होते हैं, पहले डेट निश्चित होती है, प्रतिक्रमण का आदेश होता है और निश्चित दिन दी जाती है। प्रभु के संवसन में प्रवचन सुना और वैराग्य प्राप्त हुआ और वहीं दीक्षित हो गया। शुभस्य शीघ्रम, वहां इतनी देरी नहीं होती, प्रभु प्रतिदिन दीक्षा देते और भवी जीवों का कल्याण करते। अब देखिए पोलासपुर का जो आजीवक मत का जो गौशालक है वो भी मुक्त होगा, वो अपने जितने भी भोग है भोग रहा है, जितने भी कर्म भोग रहा है, उसके मत का एक धनाढ्य कुंभकार था, जिस कुंभकार की शाला में भगवान रुके थे, वहां वह कुंभकार सल्लाद पुत्र नाम था उसका और पत्नी अग्नि मिश्रा, अग्नि मित्रा, ये दोनों ने श्रमणोपासक बाराव्रती बने और सद्दाल पुत्र प्रमुख दस श्रावकों में से एक श्रावक बना। ये प्रमुख श्रावक हमारे सामने आदर्श है। उस वक्त वो अरबपति थे, लेकिन अपने जीवन यापन के लिए उनके त्याग के अनुसार 14 नियमों का पालन करते और सीमित सामग्री स्वयं के लिए वो अपरई गृह रहते और जो उनका धन दौलत था उसका लोक कल्याण में उपयोग करते। तो गोशालक ने सद्दाल पुत्र उसका बहुत बड़ा भक्त था, उसको रोकने का खूब प्रयास किया, मिलने भी आया,
परंतु कोई असर नहीं हुआ क्योंकि सद्दाल पुत्र तत्वज्ञ था और प्रभु के हाथों उसका उद्धार होने वाला था। 10 श्रमणोपासकों में उसका नाम आने वाला था, वो श्रमणोपासक बना। कंपिलपुर से कुंडकोलिक नाम का एक वह भी बड़ा तत्वज्ञ श्रावक बना और इस वर्ष प्रभु ने चातुर्मास वाणिज्य ग्राम में किया। अब देखिए प्रभु स्नेह ने आगे विहार करते हैं और विहार करके और पचकान के लिए बहन आ रही है तो अपना पचकान ले सकती है। आज किता है आज बहुत आपके तप की हम बुरी बुरी अनुमोदना करते हैं कि छोटी उम्र में इतना मन को दृढ़ किया और तपस्या अथाई की कर रहे हो, हमारे लिए आप एक आदर्श हो, हमारे लिए आप एक लेसन हो कि हम भी आपसे शिक्षा ग्रहण करके तप करें। तो हम सभी बहन की तप अनुमोदना में ओम आराम गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव की आज्ञा से नमोरियंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आर्याणंग नमो ज्ञानंग नमो लोहे सप्त सावणंग ऐसो पंच नमुक्तारो सप्त पाव पणाचरो मंगलानंग कर सब्दे सिंह पड़मंग हवई मंगलम। कल सूर्योदय तक आपके धारणा अनुसार त्याग है। आप अपने भावों को वृद्धिंगत रखें और जैसे जैसे तप को आगे करते रहें और कर्मों को तपाते रहें, तपस्या के साथ साथ में जो मैंने प्रयोग कराया कि तप के साथ साथ में मेरे कर्म भी तप रहे हैं, ये चिंतन करें, ये अनुपेक्षा करें, ये ध्यान करें कि मेरा कर्म शरीर हल्का हो रहा है, पतला हो रहा है। हर तपस्वी अपने तपस्या के साथ साथ प्रतिक्षण अनुप्रेक्षा करें, चिंतन करें कि मेरा कर्म शरीर हल्का हो रहा है, मेरा राग द्वेष हल्का हो रहा है, मेरी निर्जरा हो रही है और मैं हल्की हो रही हूँ, मेरी आत्मा हल्की। आपके प्रति शुभकामना। अब हम प्रभु के सर्वज्ञता के 10वें वर्ष की ओर चल रहे हैं। प्रभु विहार कर रहे हैं, प्रभु विहार इसीलिए कर रहे हैं कि उनके सिद्ध बुद्ध मुक्त होने तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोक्ष मिले, क्योंकि मोक्ष के ताले प्रभु के जाने के थोड़े समय बाद 20 वर्ष बाद ही ताले लग गए। तो प्रभु ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ देते हैं जैसे कि हमारे गुरुवर लाभ देते हैं। तो देखिए प्रभु राजगृह पधारे, वहां पार्श्व भगवान की परंपरा के अनेक श्रमणों साधुओं ने चातुर्यान को 5 वर्षों में प्रवेश किया। देखिए 23 में तीर्थंकर पारस प्रभु चातुर्याम धर्म की स्थापना करते पालन करते हैं। पहले प्रभु ऋषभ के जो श्रावक होते हैं वो जड़ बुद्धि होते हैं, क्योंकि वो योगलिक कार्य होता है और भगवान जो हमारे महावीर के जो श्रावक होते हैं वो तर्क बुद्धि होते हैं, तर्क ज्यादा करते हैं जैसा हम करते हैं, क्योंकि वो समय का फेर होता है। तो जहाँ तर्क बुद्धि ज्यादा होती है वहां पर 5 व्रतों का पालन के लिए प्रभु जो है एक ब्रह्मचर्य आश्रम जोड़ते हैं और पार्श्व प्रभु ने स्त्री को ब्रह्मचर्य को स्त्री को परिग्रह माना है, इसीलिए परिग्रह में सुमार किया हुआ था उसको अलग निकाल करके भगवान महावीर ने ब्रह्मचर्य व्रत अलग करके 5 महाव्रत
और चार पांच अनुव्रत बनाए, तो वहां पर बहुत से साधुओं ने चातुर्याम से पांच महाव्रत स्वीकार किए, उनकी दीक्षा निरंतर रही, क्योंकि चातुर्याम से उनकी दीक्षा का कोई खंडन नहीं हुआ, सीनियरिटी का कोई खंडन नहीं हुआ, चातुर्याम से वो पांच महाव्रती बने। उस वर्ष उस समय एक महाशतक गातापति, वह भी बहुत बड़ा प्रसिद्ध श्रावक था, वह भी बारह व्रती श्रावक बना, प्रभु ने सबका कल्याण किया, और इस वक्त का चातुर्मास प्रभु ने राजगिरी में किया। प्रभु की सर्वज्ञता का ग्यारहवां वर्ष राजगिरी सम चातुर्मास संपन्न कर भगवान कृत कतंगला पधारे। वहां भगवान के भक्त स्कंदक को पिंगल मुनि ने कई प्रश्न किए, और भगवान का भक्त स्कंदक जवाब नहीं दे सका, शंका समाधान करने के लिए प्रभु के पास में आया और प्रभु से तत्व चर्चा की, अपनी शंका का समाधान किया और दीक्षित हो गया। और वहां से भगवान श्रावस्ती होते हुए वाणिज्य गांव पधारे और वहीं पर चातुर्मास किया। प्रभु का सर्वज्ञता का बारह वर्ष चातुर्मास वाणिज्य ग्राम संपन्न कर प्रभु पुनः ब्राह्मण कुंड की बहुशाला में पधारे। अपने दामाद मुनि जमाली ने वहां पर उसके देखिए अब दिन फिरे हैं, कर्मों का योग आया है, तो 500 मुनियों के साथ अलग विचरने की इजाजत मांगी। पहले 500 मुनियों के साथ में वो चंदन अपने प्रिय दर्शना के साथ में दीक्षा ली थी, अब अलग विचरने का इजाजत मांग रहा है। कर्मों का फेर है, कर्म किस वक्त में कैसे उदय आते हैं। भगवान मौन रहे, फिर भी वह स्वतंत्र होकर 500 साधुओं के साथ विहार करने लगे। भगवान मौन क्यों रहे, कि तुम एक संयम रत्न को प्राप्त करके स्वतंत्र विहार करने जा रहे हो, स्वच्छंदता की ओर जा रहे हो, और ये एक पूरा सिस्टम बद्ध धर्म संघ है, इसमें रहो तो अच्छी साधना होगी। हमारे महाश्रमण जी भी जो बहिर्विहारी साधु है, आजकल स्वतंत्र साधना करने की परमिशन नहीं देते, और कोई बहिर्विहारी को खूब चांस देते हैं, खूब चांस देते हैं, लेकिन फिर भी वह संघ से मुक्त होता है तो उसके कर्मों की वो जाने, वो बहिर्मुखी साधु होता है, वो संघ से बहिर्भूत होता है, वो हमारे लिए साधु नहीं है, वह बहिर्भूत साधु होता है। तो ये स्वतंत्र विहार करने लगे। भगवान कौशाम्बी पधारे, वहां पर एक अचेरा होता, एक विचित्र घटना घटती है कि सूर्य चंद्रमा मूल रूप में अपना जो रूप होता है बिना किसी प्रोटोकॉल के, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम कई बार प्रोटोकॉल तोड़ करके और महाप्रज्ञ जी के दर्शन करने आए, जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, 2002 का चातुर्मास अहमदाबाद में प्रोटोकॉल तोड़ा और कई बार आए, तो प्रोटोकॉल तोड़ करके मूल रूप में सूर्य चंद्र उपस्थित हुए, ये एक अचेरा था, ये आश्चर्य माना जाता है। प्रभु के दर्शन करने कौन नहीं है, प्रभु तो पूरे ब्रह्मांड के प्रभु हैं, वो सर्वज्ञ है। एक पुण्य आत्मा, एक मोक्षगामी आत्मा, एक केवल ज्ञानी, एक तीर्थंकर, पूरे साम्राज्य का आध्यात्मिक
शासक होता है पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का। तो प्रभु कौसाम्बी से विहार कर भगवान ने चातुर्मास राजगृह में किया और सर्वज्ञता का 13 वर्ष राजगृह चातुर्मास संपन्न करके भगवान फिर चंपा पधारे। चंपा राजगृह इन स्थानों पर भगवान ने सबसे ज्यादा चातुर्मास किए क्योंकि यह स्थान उर्वरा भूमि थी, प्रभु को अधिक लाभ होने वाला था। हमारा सिवांची मालानी क्षेत्र 13 पंथ का उर्वरा क्षेत्र है, प्रभु बार बार आते हैं, साधु साधियों को भेजते हैं, वहाँ का एक एक शावक जब हमारे तीर्थ हमारे आचार्य आते हैं तो वह सभी कहते हैं हमको दीक्षा लेनी और बहुत से आज पारमार्थिक शिक्षण संस्था में मुमुक्षु 50% से ज़्यादा हर क्षण हर अवस्था हर समय में उस स्थान के मिलते हैं। प्रभु मगध नरेश श्रेणी की मृत्यु के बाद श्रेणी कोणिक ने अब श्रेणी की मृत्यु हो गई और श्रेणी राजा जो है वह साधवी नारकी में चला गया जो कि अगले 24 के अंदर तीर्थंकर होंगे। वहाँ कोणिक ने चंपा को अपनी राजधानी बनाया और भगवान के आने का समाचार सुन करके वह कोणिक जिसने की जो है वो चंपा को अपनी राजधानी बनाया था जीत करके वह अपनी राज की ठाट पाट के साथ में कोणिक भी भगवान के प्रवचन सुनने आया और उसने कहा कि मेरे इसने सोचा कि मेरे जैसा तो इतना बड़ा राजसी घाट बाट का जो दर्शन करने वाला शावक या दर्शनार्थी कौन होगा। इंद्र ने कहा कि तू तो कुछ भी नहीं है, तेरे से बढ़ बढ़ करके एक से एक ज़्यादा राजसी घाट वाले आए हैं। एक जो चक्रवर्ती से मैं नाम भूल रहा हूँ और अपने नाम की तख्ती चक्रवर्तियों का जो तख्तियों का स्थान था जैसी तख्ती हम भवनों में लगाते हैं अपनी तख्ती अपनी प्लेट लगाने गया तो उसको जगह भी नहीं मिली। उसका गुरु शांत हुआ, कोणिक का गुरु शांत हुआ, भगवान का प्रवचन सुना और उस वक्त जो है वहाँ देखिए कोणिक श्रेणिक दोनों चल रहे हैं। श्रेणिक के 10 पौत्र पद्म भद्र धनाधीश पालित आदि दीक्षित हुए और इस वर्ष भगवान ने मिथिला में चातुर्मास किया, श्रेणी के 10 पोत्रों को निहाल किया और धन्य किया और कई आचार्य जो है इस वर्ष का चातुर्मास जो है वो चंपा में मानते हैं, कोई तो कहले मिथिला में हुआ कई कहते हैं चंपा में मानते हैं। खैर प्रभु तो उद्धार करते चल रहे हैं प्राणियों का, भवी प्राणियों का, पापी प्राणियों का। प्रभु का सर्वज्ञता का 14वां वर्ष मिथिला चातुर्मास संपन्न कर भगवान चंपा पधारे। देखिए वैशाली में घमासान युद्ध चल रहा है, एक तरफ वैशाली के राजा चेतक और 10 गण राजा, दूसरी तरफ मगधपति राजा कोणिक जिसकी मैंने पहले चर्चा की, इनके बीच में घमासान युद्ध चला। इसके बीच में चेतक और कोणिक के बीच में कोणिक की विजय हुई और कोणिक के 10 पुत्र चेतक के हाथों मारे गए। उनकी माताओं ने उनके दुख से दीक्षा ग्रहण की और चंपा से विहार कर भगवान मिथिला पधारे और चातुर्मास मिथिला में ही किया। प्रभु की सर्वज्ञता के 14 वर्ष संपन्न हुए। अब सर्वज्ञता का 15वां वर्ष बहुत बहुत लाभ भवी जीवों को होने वाला है, उस लाभ का आप कान खोलकर और चित्त को स्थिर कर सुनिए।
कि आप भी लाभ की प्राप्ति करो, वैराग्य को जगाओ। मिथिला से विहार कर भगवान सावस्वी पधारे, वहां श्रेणिक और केलना के पुत्र हल व विहल दोनों ने दीक्षा दी। वे दोनों श्रेणिक राजा के सगे भाई थे। हल व विहल दोनों ने दीक्षा ली, वे कौणिक राजा के सगे भाई थे और भगवान सावस्वी के कौष्टक उद्यान में विराजे हुए थे। गोशालक भी श्रावस्ती के निकट विहार कर रहा था। गोशालक अब उत्पात मचाएगा। देखिए तेजोलेशिया एवं अस्तांग निमित्त ज्ञान से वह स्वयं अपने आप को जिन केवली सर्वज्ञ कहने लगा। गोशालक श्रावस्ती कुमारिन की भांडशाला में ठहरा हुआ था। यह बात दीक्षा के समय गौतम स्वामी को मालूम हुई। भगवान भी आसपास विराज रहे थे। भगवान से पूछा, भगवान ने कहा, वो जिन केवली सर्वज्ञ कहता है यह मिथ्या है। मंखली नाम का ब्राह्मण का पुत्र होने के कारण, मंखली पुत्र और गौशाला में जन्म लेने के कारण गौशालक कहलाता है। आज से 24 वर्ष पूर्व ये मेरा शिष्य था, 6 वर्ष मेरे साथ रहा, मेरे द्वारा उपाय हुए बताए उपायों से ये जो लब्धि प्राप्त की, निमित्त शास्त्र पढ़ा, इसी कारण ये थोड़ा बहुत ज्ञान करके अपने को सर्वज्ञ कहता है। यह बिल्कुल झूठ है, इसमें सर्वज्ञ की अर्हता नहीं है। यह बात गोशालक ने सुनी और कुपित हुआ, क्रोधी हुआ। महावीर के शावक आनंद बेले बेले की तपस्या कर रहे थे गोशालक की ताला के पास से। प्रमुख शावक आनंद गुजरे। आनंद को रोक कर गोशालक ने कहा, देखो आनंद, भगवान देवो मनुष्य द्वारा पूजित है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरे बारे में कुछ भी कहेंगे कि ये सर्वज्ञ नहीं है, ये गलत कहता है, मेरे बारे में कोई बात कहेंगे तो तेजोलेश्या का मैं उपयोग करके उन्हें भस्म कर दूंगा। श्रावक घबराया, सूझने लगा, घबराया भगवान के पास आया और गोशालक की सारी बात भगवान को बताई और पूछा, भगवान गोशालक कहता है क्या ये सही है? भगवान ने कहा कि ये तीर्थंकर नहीं है, पर तेजोलेश्या का यह ज्ञाता है, तेजोलेश्या से ये भस्म कर सकता है, इसीलिए तुम जाओ, गोतन आदि सभी मुनियों को सचेत कर दो, गोशालक इधर आ रहा है, वह कुपित है, कोई बोले नहीं, उसकी जो है बोलेंगे नहीं, तेजोलेश्या उसकी कारगर नहीं होगी, कोई वार्तालाप नहीं करें। इतने में गोशालक आया, भगवान से बोला, यह सही है, मंगली पुत्र गोशालक आपका शिष्य था, पर वह मरकर देवलोक चला गया, उसके शरीर में प्रवेश होकर मैं उदाई धर्म प्रवर्तक हूँ, वह ओरिजिनल मंगली पुत्र गोशालक मैं नहीं हूँ, मैं तो उदाई धर्म प्रवर्तक हूँ, मैं गोशालक नहीं हूँ, मैं भिन्न आत्मा हूँ, आप मिथ्या बात कहते हैं, झूठ बात कहते हैं। ये अप्रिय वचन सुन करके भगवान के श्रद्धानिष्ठ मुनि सर्वानुभूति वसु नक्षत्र चुप नहीं रह सके, भावुक हो गए। भगवान की यह जो वार्तालाप मिथ्या भगवान के प्रति कह रहा था,
वो सहन नहीं कर सके और उसको समझाने की कोशिश करने लगे। वह कुपित तो था ही गोशालक, उसने तेजोलिश्या छोड़ी और दोनों को भस्मीभूत कर दिया। उनकी यही नियति थी, दोनों देवलोक में पहुंचे। अब देखिए वह दुष्ट क्या करता है। भगवान महावीर ने कहा तू छुपाने की कोशिश मत कर, तू ही गोशालक है। तो और ज्यादा कुपित हुआ, 5-7 कदम हटकर भगवान पर तेजो लश्यालेश्या छोड़ दी, जो कि भगवान का चक्कर काट कर वापस वह तेजोलेश्या गोशालक के शरीर में प्रविष्ट हुई। गोशालक जलने लगा, बोला जलता जलता मेरी तेजोलेश्या से आपका शरीर प्रभावित हो गया है। महावीर प्रभु को बोला अब आप 6 माह के भीतर छद्मस्त अवस्था में मर जाओगे। वो भगवान को तो छद्मस्त कहता, अपने को जिन सर्वज्ञ और केवली कहता, वह उसका एक मिथ्या वार्तालाप था। भगवान बोले मैं 6 माह के भीतर नहीं मरूंगा, मैं 16 वर्ष तक सुख से विचरूंगा, परंतु तू 7 दिन में पित्त ज्वर से पीड़ित होकर मर जाएगा। गोशालक ने खूब उपचार किया, अंत समय में उसने प्रायश्चित किया और देवलोक गया। भाई और बहनों, यहाँ शिक्षा लेने की है। उसने इतना बुरा वार्तालाप किया, प्रभु पे तेजोलेश्या छोड़ी, परंतु उसने अंत समय में प्रतिक्रमण किया, प्रायश्चित किया, पछतावा किया और अपने आप को भावित किया, तब उसको देवलोक मिला। देवलोक से लंबा भ्रमण कर अंत में निर्वाण जाएगा। एक प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रतिक्रमण ऐसे साधन हैं, शुद्धि के साधन हैं, कि ये हमारे को मुक्ति ले जाते हैं। इन साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो। मिथ्यामि दुक्रम खमत कामना, मैं अब पापों का प्रायश्चित करता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, 84 लाख जीव हमत कामना करो। हम प्रतिदिन प्रतिक्रमण में आज वो करेंगे। भगवान सावस्ती से विहार कर मैंडीय ग्राम पधारे। प्रभु को लोगों का कल्याण करना है, प्रभु लोक कल्याणकारी है, प्रभु करुणा के सागर है। वो इसीलिए भ्रमण कर रहे हैं। वो तो एक स्थान में बैठ कर 30 वर्ष तक मौन साधना करके मोक्ष जा सकते थे। वो सर्वज्ञ थे, परंतु लोक कल्याण करना है, लोगों का भला करना है। हर ज्ञानी, हर तीर्थंकर, हर आचार्य तिन्नानम तार्यानम करता है। मैं भी करूं, लोग भी करे, उसका एक सामाजिक दायित्व होता है, वह समाज के पीछे होता है। तो प्रभु लोगों का कल्याण करने के लिए विहार कर रहे हैं। मैंडीय ग्राम पधारे, वहाँ तेजोलेश्या का, क्योंकि पुद्गल का काम पुद्गल करता है, पुद्गल पुद्गल से प्रभावित होता है, भगवान की आत्मा प्रभावित नहीं है। शरीर पौद्गलिक था, वो तेजोलेश्या के प्रभाव से कहा ज्वर उत्पन्न हुआ, शरीर प्रभावित हुआ, आत्मा को कोई तरह का नुकसान नहीं हुआ। यह बात उनके भक्त एक सिंह नाम के साधु को प्राप्त हुई। भगवान के प्रति समर्पित था, भगवान के असहता को वह सहन नहीं कर सका। वो ध्यान कर रहा था, उसका ध्यान संपन्न हुआ, रोने लग गया, भाव वियल हो गया,
जैसे गौतम को प्रभु के प्रति अनुराग था वैसा अनुराग सिंह को भी था। वो भगवान से निवेदन करने आया, प्रभु आप उपचार बताइए। रोता रोता बोला, भगवान ने कहा तुम इतने भावियल हो तो जाओ मेंढिय ग्राम में रेवती दातापति के घर जाओ, वहाँ बिजोरे का पाठ, दो पाठ बनाए हैं, एक बिजोरे का पाठ वो सूझता है, वो मेरे लिए नहीं बना है, तुम लेकर के आओ और तुम्हारी व्यथा को मैं मिटाता हूँ। भगवान ने दिया और प्रभु स्वस्थ हो गए। सिंह भी अपने आप को, सिंह मुनि अपने आप को धन्यता का अनुभव किया। और देखिए भगवान का दामाद जामाली, जो मतभेद के कारण, प्रभु ने मतभेद पैदा नहीं किया, प्रभु कोई मतभेद पैदा नहीं करते, प्रभु तो समन्वय करने वाले हैं, उसने मतभेद जाना, अपने आप शंकाशील होकर अलग हो गया था, वह मतभेद के कारण अलग हो गया और साधी प्रिय कृष्णा भी अलग हुई हो गई थी वह, लेकिन पुनः दोनों साथ में वापस आ गए। उनकी बुद्धि ठिकाने आई, उनका जो संकित गया हुआ था वापस आया, संकित जाने के कारण वो अलग हुए। दोनों संकितधारी है, संकित गया, भ्रमित हुआ, अलग प्रचंड विहार किया, पुनः संकित आया दोनों को, और वो पुनः आए और साथ में आ गए, स्थिर हो गए। पावस भगवान ने पावस प्रवास, वर्षावास, चातुर्मास तीनों ही शब्द आते हैं, दिगंबरी वर्षावास कहते हैं हम, चातुर श्वेतांबरी चातुर्मास कहते हैं। तो भगवान ने यह चातुर्मास मिथिला में किया। अब प्रभु का सर्वज्ञता था, सोलहवां वर्ष पावस प्रवास मिथिला में संपन्न कर भगवान श्रावस्ती पधारे। वहां पर क्या होता है कि पास भगवान के परंपरा के आचार्य केशी कुमार शमन जो चंडाल थे और बहुत प्रसिद्ध श्रमण साधु थे, प्रभु के बीच में और केशी श्रमण के बीच में लंबा वार्तालाप चलता है। वो आगमों में आया हुआ है, वो उत्तराध्ययन के 23वें अध्ययन में है। तो वहां पर केशी कुमार श्रमण जो कि चातुर्याम धर्म को मानने वाले थे, वो 500 साधुओं के साथ उस चातुर्मास में 5 महाव्रती जो है, वो 5 महाव्रती भगवान के अनुयायी बने, साधु बने। उनका साधुपन किसी भी तरीके से खंडित नहीं हुआ। चातुर्याम से 5 महाव्रत में आए, और क्योंकि अब परंपरा चल रही थी, वह परंपरा वो भगवान महावीर की थी, पहले भगवान पार्श की थी, एक ही बात है। उन्होंने विधिवत स्वीकार किया और प्रभु ने ये चातुर्मास वाणिज्य ग्राम में सर्वज्ञता का 17वां वर्ष है। वाणिज्य ग्राम से प्रभु चातुर्मास राज्य गृह में किया और अनेक मुनि संसार आकर स्वर्ग वो निर्माण को देखो, स्वर्ग और निर्वाण ऐसे हो रहा है जैसे हम गतियों में भटकते हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति में जाते हैं, वैसे प्रभु के रहते रहते संसारा किया, स्वर्गवासी हुआ, संसारा किया, निर्वाण को प्राप्त हुआ। वो समय है, ये समय का फेर है, प्रभु की उपस्थिति है महाविदेह क्षेत्र में, हमेशा चौथा आरा चलता है महाविदेह के 15 क्षेत्रों के अंदर, कम से कम 9 तीर्थंकर, अधिक से अधिक 170 खंडों में 170 तीर्थंकर
हर वक्त विद्यमान रहते हैं, वहाँ हर क्षण चौथा आरा चलता है। हम भावना बाएं कि अगला हमारा जन्म परम प्रभु जो है सिमंदर स्वामी के चरणों में हो, महाविदेह क्षेत्र में हो। यहाँ ताले लगे हुए हैं और हम भी दो तीन भगवान मनुष्य के करके और हम भी सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, भावना भावो। अब सर्वज्ञता का 18वां वर्ष राज्य गृह से चातुर्मा संपन्न कर प्रभु प्रस्थ चंपा पधारे, वहां से दर्शनार्पुर पधारे। वहां का राजा दर्शनार भद्र सज धज कर अहंकार के साथ जैसे कोणी गया था, दर्शनार्थ सज धज कर अहंकार के साथ आया कि इतनी रिद्धि सिद्धि के साथ शायद ही कोई राजा दर्शन करने आता होगा। इंद्र ने उसी तरह उसके वैभव को अहम को शांत किया कि भाई ये प्रभु का साम्राज्य है, यहाँ पर अहंकार की जरूरत नहीं है, यहाँ संभाव की जरूरत है, यहाँ समर्पण की जरूरत है। प्रभु के सामने अहंकार करके क्यों तुम, अगर अभी तेरे भव का बंधन हो जाए तो नारकी को प्राप्त होगा, तो तू इस अहंकार को शांत कर, प्रभु का साम्राज्य है, प्रभु का समोषण है। तो वो राजा जो दर्शनार भद्र अहंकार के साथ आया था इंद्र के वह शिक्षा से वह वो वैराग्य को प्राप्त हुआ और उस राजा ने शिक्षा ली। इंद्र ने भी प्रणाम किया प्रभु को और वह भी इंद्रलोक चला गया। और ये इंद्र के शिक्षा का फल है, इंद्र ने यहाँ पर ये शिक्षा दे करके लाभ कमाया। उसने भी धर्म दलाली की, वो स्वयं त्याग नहीं कर सकते पर वो धर्म दलाली जरूर करते हैं। वर्षावास वाणिज्य ग्राम में किया, वो धर्म दलाली क्यों करते हैं, क्योंकि वो ये भावना पाते हैं कि धर्म दलाली करके हम अगला जन्म मनुष्य भव का प्राप्त करें और हम भी आगे आगे वो मुक्ति की ओर बढ़े। सर्वज्ञता का 19वां वर्ष वाणिज्य ग्राम चातुर्मास संपन्न कर प्रभु कंपिलपुर पधारे, वहाँ अंबड़ ने उपदेश सुनकर पारिवारिक वेश के अंदर शावक व्रत स्वीकार किया। अंबड़ क्या करता था, उसके पास वैक्रिय लब्धि थी, वह 100 रूप बनाकर पारणा हेतु 100 घरों में बहरूपीय के रूप में जाता था। हमारे यहाँ जैसे बहरूपीय अलग अलग रूप बना के आते हैं, प्रतिदिन वह पारणा अलग रूप में अलग रूप बनाकर करता था। लेकिन अप्रभु का उसने प्रवचन सुना और सही अर्थ में धर्म को स्वीकार किया और वो 12 वर्षीय स्वास बना। अब देखिए ऐसे ऐसे लोगों को भगवान तार करके और आगे बढ़ रहे हैं। वर्षावास वैशाली में किया, सर्वज्ञता का 20वां वर्ष वैशाली चातुर्मास संपन्न कर वाणिज्य ग्राम पधारे प्रभु और वहाँ पर पार्श्व परंपरा के गांगे मुनि ने भगवान से कई प्रश्न करके 5 महाव्रत स्वीकार किया। गांगे मुनि का एक लंबा वार्तालाप वह हमारे आत्मों में आता है और उससे कई प्रश्न खड़े होते हैं और कई प्रश्नोत्तरी में प्रभु के जवाब आते हैं, वो बहुत ही पठनीय है, मननीय है, ग्रहण करने योग्य है। उससे हमें वैराग्य की प्राप्ति होती है, वैराग्य पुष्ट होता है। तो भगवान ने वह चातुर्मास इसका कल्याण करके जो गांगे मुनि का कल्याण करके दीक्षा दिया और चातुर्मास वैशाली में किया। और प्रभु का सर्वज्ञता का 21वां वर्ष वैशाली चातुर्मास संपन्न कर भगवान राजगृह पधारे, वहाँ पर
एक मधु श्रावक वो था, उसने कालो दधी कालो दयादी आदि अन्य तीर्थ के लोगों के प्रश्नों का सही उत्तर दिया। अन्य तीर्थ के लोग ने कई प्रश्न किए मधु श्रावक से और विष्णु जी हाँ तो वहाँ पर मधु श्रावक के प्रश्नों का सही उत्तर पाया, वो संतुष्ट हुए और भगवान ने वो तत्व ज्ञानी मधु जो कि उनका बहुत बड़ा भक्त था उसके तत्व ज्ञान की प्रशंसा। प्रभु जिसकी प्रशंसा करे वह धन्य हो जाता है। मधु उनका बहुत बड़ा भक्त था, वो तत्वज्ञ का श्रावक था और प्रभु ने उसकी प्रशंसा की तो मान सकते हैं कि मधु कितना बड़ा तत्वज्ञानी था। इस वर्ष का चातुर्मास संपन्न कर, चातुर्मास भगवान ने संपन्न ही, इस वर्ष का चातुर्मास भगवान ने राजगृह में किया। अब 22वां वर्ष राजगृह होते हुए नालंदा पधारे अन्य तीर्थ के लोग जो अभी मैंने नाम दिया था, जो मधु को जिन्होंने प्रश्न किए थे मधु से वो संतुष्ट हुए थे, वही कालोदयी और शालोदयी दोनों ने भगवान से फिर विविध चर्चा की। पहले तो उनके श्रावक मधु से चर्चा की जो सही थी, अब और ज्यादा चर्चा कालोदयी शालोदयी ने भगवान से चर्चा की, वह सब आगमों में आती है। भगवान की जो जो चर्चा है, जो जो वाणी है, वो समस्त वाणी गणधरों ने और 14 धारी जो थे उन्होंने, पूर्व वाले ज्ञान वाले उन्होंने कंठस्थ किया था, वो हमें मिलती है। और इस तरीके से विविध चर्चा कर वो मुनि दीक्षा उन्होंने स्वीकार की और वो अपनी साधना में लगे रहे। चातुर्मास भगवान ने नालंदा में किया। 23वां वर्ष नालंदा का 23वां भगवान के ये सर्वज्ञता का 23वां वर्ष है। नालंदा चातुर्मास संपन्न कर प्रभु वाणिज्य ग्राम पधारे। प्रवचन से प्रभावित होकर सुदर्शन सेठ, जिसका कि हमने वर्णन सुना था, वह सुदर्शन सेठ संयम स्वीकार किया और 12 वर्ष सुदर्शन सेठ ने शुद्र चारित्र प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त किया। सुदर्शन सेठ का पूरा ब्यौरा हमने सुना था, वही सुदर्शन सेठ 12 वर्ष तक शुद्ध साधुपन पाल कर प्रभु के विराज से निर्वाण को प्राप्त हुए। कैसे लोग निर्वाण को प्राप्त होता है, हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी हिमंदर स्वामी के चरणों में जाकर जैसे ये निर्वाण को प्राप्त होते हैं। आप भावना बाना कोई बुरा नहीं है और हमें लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए। हिमंदर स्वामी वर्तमान में हमारे तीर्थंकर प्रभु है, कृपालु है, दयालु है, तो शासन देवी देवता आज भी प्रभु के दर्शन करने हिमंदर स्वामी के जाते हैं। उनकी मदद लो, उनके चरणों में जाओ, भावना भाओ। पर ये तब होगा जब राग द्वेष बहुत हल्का होगा, भावना भाते भाते तब ये भावना की सिद्धि होगी। तो देखिए चातुर्मास भगवान ने वैशाली में किया। भगवान के सर्वज्ञता का 24वां वर्ष आपको वैराग्य जगाने के लिए ये विवरण दिया जा रहा है। आपके सामने उदाहरण आ रहे हैं बड़े बड़े सेठों के, बड़े बड़े राजाओं के, बड़े बड़े दूसरे धर्मों के लोगों के, किस तरीके से वो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। 24वें वर्ष में वैशाली चातुर्मास संपन्न कर प्रभु साकेत पधारे। वहाँ राजा किरण बहुत प्रसिद्ध था,
देशना सुनी, वैराग्य हुआ, दीक्षित हुआ और भगवान अब वहाँ से बिहार से यूपी आ रहे हैं मथुरा, जो बॉर्डर पर ही है, वैशाली के बॉर्डर पर मथुरा है, नंदी शौर्य मथुरा शौर्यपुर नंदीपुर को अपने चरणों की धूली से पावन किया और वापस मिथिला चातुर्मास किया। भगवान वहाँ पर हमारा कल्याण करने के लिए विहार करते हैं, प्रभु को ध्यान है यहाँ किसकी काम जो है कल्याण होना है, किसको किसको कल्याण करना है उस हिसाब से प्रभु विहार करते हैं। पूरा खाका प्रभु के दिमाग के अंदर मालूम है, क्योंकि वह श्रवज्ञ है, कौन श्रावक बनने वाला है, कौन मोक्ष जाने वाला है, कौन सा राजा जाएगा, कौन सा सेठ जाएगा, कौन सा दूसरे मत का न्यायी जाएगा, सबका प्रभु का पता है। उसका समय नजदीक आता है, प्रभु उसके नजदीक जाते हैं, उसको दीक्षित करते हैं, दोनों का योग मिलता है, उसके तो कर्म खपते हैं और प्रभु की कृपा होती है, और दोनों का योग मिलने से या तो स्वर्गवास मिलता है या मुक्ति मिलती है। 25वां वर्ष प्रभु मिथिला चातुर्मास पर राजगृह पधारे, वहाँ गंधर्व प्रभास। देखिए अब प्रभु के रहते रहते गंधर्व निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं। आप भी मन बनाओ, मानस बनाओ, निर्वाण को प्राप्ति का लक्ष्य बनाओ, क्योंकि वहां पर अक्षय सुख है। हमें ये 84 लाख जीवायोनि की दुख की कारा से मुक्ति पाना है, बार बार जन्म लेना, 9 महीने उल्टा लटकना और खट्टा मीठा स्वाद गंदगी उसमें रहना, उसको हम घृणा करते हैं लेकिन बाहर आके भूल जाते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, गंधर्व प्रभास ने 1 माह के अनशन करके निर्वाण प्राप्त किया, प्रभु के रहते रहते सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। चातुर्मास भगवान ने मिथिला में किया, 26वां वर्ष मिथिला चातुर्मास संपन्न कर प्रभु नालंदा पधारे। नालंदा तक्षशिला ये बहुत बड़े विश्वविद्यालय हैं और उनके अवशेष आज भी तक्षशिला नालंदा पे मौजूद है, यानी प्रभु की वाणी आज भी वहाँ मौजूद है। हमारे पुरातत्व के लोग वहाँ जा रहे हैं, वैज्ञानिक वहाँ जा रहे हैं, उस वाणी को पकड़ रहे हैं और उन पुण्य जो पुद्गलों का प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, शोध कर रहे थे। गंधर्व अचल भ्राता और मैतार्य ने संथारा कर मोक्ष को प्राप्त हुए, ये बड़ा लाभ यहाँ हुआ। और प्रभु ने चातुर्मास नालंदा में किया, 27वां प्रभु का सर्वज्ञता का वर्ष, नालंदा से मिथिला प्रभु पधारे और चातुर्मास मिथिला में ही किया। 28वां वर्ष इस वर्ष चातुर्मास प्रभु ने मिथिला ही में किया, कईयों का लाभ दिया। 29वां वर्ष मिथिला चातुर्मास संपन्न कर भगवान राजगिरी पधारे, इस वर्ष अग्निभूति वायुभूति गंधर्वों ने अनशन पूर्वक निर्वाण को प्राप्त किया, प्रभु ने चातुर्मास राजगृह में किया। और 30वां वर्ष अंतिम वर्ष, इस वर्ष की जानकारी पहले से लोगों को हो गई थी। अब देखिए बहुत सुंदर विवरण है, कान खोर खोलकर दद्धचित होकर अपने भावों को स्थिर कीजिए। 30वां प्रभु का सर्वज्ञता का वर्ष, राजगिरी चातुर्मास पर वहीं कुछ समय विराजे, वहां पर गणधर व्यक्त
मंडित मौर्य पुत्र तथा अकंपित ने एक एक मास का अनशन करके निर्वाण को प्राप्त हुआ। सारे नौ गणधर निर्वाण को प्राप्त हुए। गणधर गौतम और गणधर सुधर्मा दो ही बचे। अंतिम चातुर्मास राजा हस्तिपाल की रज्जु का सभा में किया। अनेक जीव उद्बोधित हुए। राजा पुण्यसाल ने संयम स्वीकार किया। और देखिए भगवान का केवली पर्याय कुल 29 वर्ष 6 माह और 15 दिन का था। अब प्रभु का अंतिम प्रवचन। कई भवी जीवों का उद्धार किया। कई श्रावक बने। संयम स्वीकार किया। शुद्ध संयम पालकर निर्वाण पधारे। पूरे क्षेत्र में धर्म की लहर फैली। कई जीवों ने तत्व ज्ञान प्राप्त किया। और प्रभु ने अपने प्रवचन में बलि प्रथा दास प्रथा के धीरे धीरे वो तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने अपने सबको ये शिक्षा दी। खास कर राजघराने वालों को बलि प्रथा ये नाजायज है, ये हिंसा है। जिस पशु की बलि देते हो वो तुम्हारी तरह भी वो प्राणी है, उसको वैसा ही दुख होता है जैसा उसका हाथ करता है, सिर करता है। अगर वैसा ही तुम्हारे यहाँ काट दिया जाए तो कितना दुख होता है। वैसा ही दुख जिसकी बलि दी जाती है उसका होता है। तुम्हारे कर्मों का बंधन होता है। दास प्रथा का विरोध किया कि जैसे चंदन वाला को दास रूप में बेचा जाता था, ये पशु पक्षी नहीं है, ये मानव है, ये दास प्रथा का उन्होंने घोर विरोध किया। और जो है पहले हमारे जो महिला वर्ग को ज्यादा धर्म की स्वतंत्रता नहीं थी, तो प्रभु ने महिलाओं को धर्म की स्वतंत्रता दी। और प्रभु का पूरा जीवन आलोक पुंज था। लिथवी वो मलिगण राज्यों राजाओं ने निवेदन कर अंतिम वर्षावास पावापुरी में बिताने की जो है अर्ज किया। प्रभु ने अंतिम वर्षावास पावापुरी में बिताया। लोगों को ध्यान था ये अंतिम वर्षावास है। देशना का खूब लाभ लिया कि आप प्रभु सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे, हमें कौन देशना देगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों का समूह भाग लेने आने लगा। कार्तिक वदी अमावस पूनम को, कार्तिक वदी अमावस को जो है वहाँ का संध्या, वहाँ पर भगवान ने अपने शिष्य गौतम, प्रभु का समय नजदीक आ रहा है, अपने शिष्य गौतम गणधर को वेद विज्ञान देव शर्मा को समझाने के लिए भेजा। क्योंकि भगवान ने सोचा कि मेरा निर्वाण का समय नजदीक है, ये मेरे पास रहेगा और मेरे प्रति इसकी अनुरक्ति है, इसका राग है, तो और कर्मों का बंधन करेगा, इसका निर्वाण इसका केवल ज्ञान बाधित होगा। भगवान के भीतर के चक्षु खुले थे, केवल ज्ञानी थे। उन्होंने उसका भला सोचकर गौतम भगवान गौतम को भेजा और वहाँ पर देव शर्मा के साथ में तात्विक चर्चा की। गणधर गौतम ने और उसको भी श्रावक बनाया। भगवान ने कार्तिक तेरस को अनशन स्वीकार किया और कार्तिक कृष्ण अमावस्या को अंतिम तमो चरण जुड़ा। बहुत सारे राजा और विशाल जनमेदनी उपस्थित थी। प्रवचन प्रभु ने शुरू किया। 16 प्रहर 48 घंटा प्रवचन चला। 48 आवर तक प्रभु ने रेगुलर प्रवचन किया। अंतिम देशना दी, अंतिम समोषण जुड़ा और लोग 48 घंटा स्थिर रहे। जैसे कि आप स्थिर हो, ये पता नहीं प्रभु के
सर्वज्ञ था को सुनते सुनते हम में भी वैराग्य जागृत हो और हमारा लक्ष्य जो सम्यक दर्शन है अभी प्राप्त हो जावे। भावों का पता नहीं होता है, भावों की श्रेणी कब चढ़ती है उसके लिए निमित्त चाहिए, वह निमित्त हमको प्रभु की ये सर्वज्ञता के 30 वर्षों का ब्योरा निमित्त बन रहा है हमारे लिए। अब देखिए 55 अध्ययन पुण्य फल और 55 अध्ययन पाप फल विपाक के संबंधी 48 घंटा प्रवचन चला, कई प्रश्नोत्तर चले, ये सारा द्वादशांगी के अंदर सारा पठनीय है उसमें आया हुआ है। अब देखो आगे क्या घटना घटित होती है। सब देवता भी वो भगवान का प्रवचन सुनने आते हैं, देवता मनुष्य तिर्यंच सभी सुनने आते हैं, नारकी के जीव भगवान का प्रवचन सुनने नहीं आ सकते, उनके कर्मों का बंधन ऐसा ही होता है। अब देखो इंद्र के द्वारा आयु वृद्धि की प्रार्थना होती है, भगवान के मोक्ष गमन का समय निकट आ रहा है, देव और मानवों की भारी भीड़ जमा है, इंद्र ने समस्त भीड़ में समूह शरण में खड़े होकर के इंद्र ने निवेदन किया, प्रभु आपके जन्म काल में उत्तरा फागुनी नक्षत्र था, उस नक्षत्र पर इस समय भस्म ग्रह संक्रांत होने वाला है, जो कि 2000 वर्ष तक संक्रांत रहेगा, ऐसा भयंकर भस्म ग्रह आपके नक्षत्र उत्तरा फागुनी पर लगने वाला है, आप सर्वज्ञ हो, बलिष्ठ हो, ज्ञाता हो, असंभव को संभव करने वाले हो, आप थोड़ा सा आयुष्य काल आपका बढ़ा दें तो यह भस्म ग्रह प्रभावी नहीं होगा। भगवान ने कहा इंद्र न भूतो न भविष्यति, जो आयुष्य प्रगाढ़ रूप से बंधन किया हुआ होता है उस आयुष्य काल का संपन्नता न तीर्थंकर भी न एक क्षण घटा सकते हैं, न बढ़ा सकते हैं, न भूतो न भविष्यति। मैं तो दूसरे को उपदेश दे करके दूसरों को श्रावक और मैं साधु बना सकता हूँ, लेकिन उनकी जो है उनके कर्मों का योग चाहिए, उनका पुण्य चाहिए, वो इसको स्वीकार कर सकते हैं। तो ये सब कर्मों के अधीन है, भगवान ने कहा ग्रह मात्र तो उसके सूचक है। अब देखिए आगे इसका विवरण आप देखना चाहें पूरा तो पेज नंबर 101 पर लंबा है, मुंह में विवरण पठन करके आपको नहीं बताना चाहता हूँ, और आप चाहो तो हम बता सकते हैं। इसका इनका पेज नंबर 101 है, पेज नंबर 102 है, ये अपन चाहेंगे तो सुना देंगे, सुनना चाहते हैं आप। अब देखिए गौतम स्वामी को केवल ज्ञान होता है, कैसे होता है कि प्रभु के निर्वाण के समाचार सुनकर इंद्र शर्मा के घर से वह वापस आया और मैं मोहाकुल हो गया, प्रभु मैं आपका भक्त हूँ और आपने ये क्या किया। तो हम जो कहते हैं कि क्या क्या बोलते हैं दीपावली के दिन कि क्या बोलते हैं, हाँ महावीर स्वामी केवल ज्ञानी गौतम स्वामी शिवनामी। अब देखिए कि प्रभु तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए और गौतम स्वामी भगवान महावीर मुक्त हो गए, गौतम स्वामी आए और चिंतन की गहराई में पहुंचे, शपथ श्रेणी वह छठी श्रेणी में थे, सातवीं श्रेणी ली, आठवीं शपथ श्रेणी ली और नौवीं दसवीं ग्यारहवीं को
छोड़ के बारहवीं में आए वीतराज बने और तेरहवीं में चढ़ करके वो केवली बन गए। कार्तिक अमावस्या को भगवान और गौतम स्वामी दोनों को सर्वज्ञता प्राप्त हुई, प्रभु तो मुक्त हुए और ये सर्वज्ञ हुए। अतः ऐतिहासिक पर्व जैनों का ये है और भगवान के 12 वर्ष बाद गौतम स्वामी मोक्ष गए। अब ये हम 101 और 102 निर्वाण का थोड़ा विवरण आप विशिष्टता हासिल कर ली। हाँ करो, आगे थे 11:30 बजे पीछे पीछे बैठे थे। हाँ तो विशिष्ट हासिल करो, हाँ थोड़ो दो उद्बोधन दो माने। वह तो आपने पुण्योदय मिली है, अब आगे रवाज से करो, बढ़ो आगे धर्म में। बहुत अच्छी बात है, हाँ बहुत बात है। एक एक 13 पंथ में तो एक ही को मोटा मोटा हीरा है था, आधी हीरा हो तो बड़ी बात है। ॐ हरिहं नमन हो हमारा, ॐ तीर्थ नमन हो हमारा, ॐ तीर्थ नमन हो हमारा, ॐ तुलसी नमन हो
Thank you.